हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ का टाइम ख़त्म हो गया, वो सरप्राइज़ आ चुका है। मैं उस सरप्राइज़ को आप लोगों के लिए और आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। लाओ एली, ये है रॉटवीलर एली। ये मिस्टर बोल्ट और हेला की वीडियो है, जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे उन्हें, तो काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। तो उसकी बेटी है ये, और काफ़ी चंचल है, काफ़ी बदमाश है, और काफ़ी क्यूट भी है। तो मैं बहुत ही मुश्किल से इसको लेकर के आया हूँ बाई ट्रेन लखनऊ से, और कैसे कैसे लेकर के आया हूँ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उस पर मेरी हालत कैसी है उस पर आप ध्यान मत देना, आप लोग सिर्फ कैसे ले करके आया हूँ उस चीज़ को देखना, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। दो दिन से मैं सोया नहीं था, एटलीस्ट खाना भी नहीं खाया था, इस वजह से मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मुझे इसको आराम से लेकर के आना था। और इसको मैंने फुल एकदम मस्त आराम से लेकर के आया है। तो आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेते, आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो एली, से हाय। हाय। उसके आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके पॉज देखिए, उसके फेस को देखिए, पंच फेस प्रॉपर। बहुत ही अच्छी हैवी बोन और शानदार नस्ल की ये रॉटवीलर है। तो चलिए आप लोग देखिए कैसे कैसे मैं इसको लेकर के आया हूँ, और वीडियो को एंजॉय करिए, और फिर बताइए कमेंट करके कैसा है कैसा नहीं है। ये एली की माँ है, जो ये और इसका सफ़र यहाँ से एली का शुरू हुआ था, इसके घर गया तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और यहाँ से ये मैं इसे बाइक पे लेकर के जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर इसे मैं अपने भैया घर पे लेके जा रहा हूँ। और ये भैया के घर पे ये खेल रही थी, उसका एक वीडियो है छोटा सा, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे मैं लेकर के इसको गया। बच्चे काफ़ी खुश थे भैया के मेरे, और ये भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी। तो बहुत ही मस्ती की इसने वहाँ पे, फिर उसके बाद फिर कैसे लेकर के आया, फिर यहाँ से इस ट्रेन पे कैसे लेके गया, ये देखिए। इसने इतनी शैतानी की शुरू में, पब्लिक परेशान हो गई, फिर मैं इसको ऊपर लेकर के गया, नीचे बकेट में बहुत ज़्यादा ही हल्ला कर रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने इसको बकेट में रखा, बकेट में रखा हुआ था। फिर इस बकेट से फिर मैंने क्या किया कि इसका ढक्कन खोल दिया कि शांत हो जाए ये, फिर शांत हुई। कैसे शांत हुई, जैसे बंद करा था हल्ला करने लगे, तो फिर इसको मैंने बाहर ही निकाल दिया, बाहर निकाल के मैंने इसको ऐसे करके बैठा दिया,
शांति से फिर ऐसे ही लेकर के मैं इसको पूरा वहाँ से ऐसे ही बैठा करके और बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से लेकर के आया। मेरी हालत ख़राब हो गई, ना मैं कहीं जा पा रहा था ना आ पा रहा था। जैसे ही वहाँ से हटता था या कहीं जाता था ये चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो फिर मेरी मजबूरी थी कि मुझे इसके साथ ही बैठे रहना था, कहीं नहीं हट पा रहा था मैं इसकी वजह से। सुबह 3 बजे मुझे वॉशरूम जाना था, तो कैसे कैसे ये सोई हुई थी तो चुपके से उतर के मैं गया। जैसे ही हटता तो वैसे ही चिल्लाने लगती थी। देखिए कितने आराम से सो रही है, फुल एंजॉय करते हुए आई है। ट्रेन में सबके नाक में दम कर दिया था इसने। ट्रेन भी काफ़ी लेट हो गई थी, 3.5 घंटे लगभग ट्रेन लेट थी। उतना ही गुस्सा लग रहा था कि अरे जितनी जल्दी पहुंचना है उतना ही लेट हो रहे हैं। फाइनली किस तरह पहुंच गए अपने घर को आ गए। मस्त हवा ले रही है, उसको मैं आगे कैसे फीड करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग और जो भी चीज़ें हैं सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे और भी पैट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैं अभी गया था बाहर तो अपने टर्टल्स को कैसे रख के गया था, मेरे फिशेस कैसी थी, टर्टल्स कैसे थे, खाना खा रहे थे नहीं खा रहे थे, सारी चीज़ें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आई होप जल्दी वो वीडियो आएगी और उसमें आप लोगों को मिलेगी। सो बाय, टेक केयर, सी यू सून।